नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। बिहार प्रदेश के पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पताही प्रखंड के बिलाही राम में डीलर जगन्नाथ बैठा द्वारा जनता के राशन में की रही घपलामारी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने खबर को उजागर किया था तो इस बीच उन्होंने हमारे संवाददाता के ऊपर गंभीर आरोप लगाया, जिसे देखते हुए हमारे स्थानीय विधायक लालबाबू प्रसाद ने उसे कड़ी फटकार लगाई और प्रशासन से उस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। सर एक मिनट सर, अभी जो है कल के न्यूज में पताही प्रखंड के मिर्जापुर में जो जगन्नाथ बैठा जी का है उस पर इस प्रकार की न्यूज चला है, उसको कारण वो मीडिया पर ही आवेदन दे दिए हैं थाना में कि वो हमसे रंगदारी मांगने जा रहा है, तो क्या किस प्रकार से किसी डीलर के पास जाएगा कोई मीडिया? नहीं नहीं, गलत है। जगन्नाथ बैठा हुआ गलत किया है, लोगों को राशन सही वजन नहीं दे रहा है, इसलिए सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, खास करके DM साहब से, SDO साहब से और हमारे MO के चार्ज में BDO साहब है, तीनों आदमी से मैं आग्रह करता हूँ कि इसकी तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए, इसकी लाइसेंस कैंसिल किया जाए। सर पूछने के बाद वो बोले हैं कि SDO साहब और MO साहब के आदेश पर मैं कम दे रहा हूँ। अरे SDO साहब MO साहब ऐसा कहे आदेश देंगे भाई जी, आप 4.5 किलो दीजिएगा, ऐसा कहीं हो सकता है? सर न्यूज में स्पेशली रूप से वो बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, जगन्नाथ बैठा गलत बोल रहे हैं, तो SDO साहब को उस पर एक्शन लेना चाहिए। एकदम लेना चाहिए, नहीं लेने का कोई सवाल नहीं है। एक्शन क्या लेना चाहिए, उसकी सबसे पहले लाइसेंस कैंसिल किया जाए, वैसे लोगों को जिन लोगों ने इस महामारी के दिन में गरीब की राशन खाने के लिए तैयार है और पचाने के लिए तैयार है, ये कहाँ का न्याय है? सरकार दे रही है 5 किलो, आप कौन हिसाब से 4.5 किलो दीजिएगा भाई? वैसे डीलर को चिन्हित करके चाहे जो भी हो उस तरह का करता हो उसका सबसे पहले लाइसेंस कैंसिल किया जाए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर को अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।